कीचड़ में उड़े एक छोरी का मामा था, वो पुराना पजामा था, वो इतना मोटा था जो काम का जुटता था, वो तुझे साथ साथ आ रहा था गाड़ी के धक्के ले रहा था। काली थी पता हुआ था भी काली थी पर हमने के भी आनी थी। फिर हम बैठ गए थे जूतिया के गेट गए थे, फिर देखा था पे मार खातर आ लिए, यूं देख के हम तो बाज लिए जूते जाते को जमा गाल लिए। थप्पे मारने वाली जो कर दे फिर गई कबड्डी की रेड सी भर गई पर अंधेरे में यही गलती। देखिए जैसे आपने सुना कि हरियाणा अपनी ठेठ बोली के लिए विश्व भर में जाना जाता है और ये एक ऐसा प्रदेश है जिसके नाम में ही हरि का आगमन हो और जो अपनी पहचान से अपनी बोली से एक पहचान रखता हो, कोई भी काम हो तो सीधी सी एक बात कहते हैं अकेले भी लठ गाड़ दिए और आज तक पता नहीं वो लठ गाड़ता का है और कहते भी चाला पाड़ दिए, ये चाला भी नहीं पता कौन से पेड़ के लगते हैं इसमें रुक जाता है। मतलब अब आप लोगों के सामने वीक करके कल्पना और छवि प्रकृति को दर्शाती हुई, देखो ये बिजली की समस्या बहुत रहती है लेकिन फिर भी बिजली नाम का गाना आप लोगों के सामने आएगा तो देखिए इस बिजली का आनंद उठाइए और फीलिंग लीजिए कई बार जब आपके घरों से लाइट गुल हो जाती है और लाइट आने के ऊपर कितनी अच्छी तालियां बजती है तो वो तालियां पहले बज जाए। दो नन्हे कलाकार आप लोगों के भी और किसी का बिजली का बिल बकाया तो भर देना भाई, नहीं तो ताली नहीं मिलेगी अच्छी तरह से चल रहा ना। नेट देख तो चलेगा थोड़ा एकदम एक्यूरेट लाइन चलती कुड़ी और जिनको नहीं आई है वो भी बजा।
क्योंकि ये पंजाबी है, समझ में नहीं आएगी जल्दी से, कभी सत श्री अकाल है तो कभी चकले फट्टे, और हरियाणा वाले को तो समझ में भी नहीं आता चकले फट्टे का, मैंने क्या वो गाड़ी के फट्टे चेक करने लग जाते हैं। मैंने कहा हरियाणा हमारी पहचान, हरी का आगमन, हम अपनी बोली नहीं अपने प्रतिभाव से भी जाने जाते हैं, और आप श्री कृष्ण विद्यालय की पावन धरा पे बैठे हो, तो आपको हम बता दें ये चार लाइनें आप लोगों के लिए हैं। मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग आपके, आप लोगों से कह रहा हूं, अगर दिल में हो आग आपके और हौसले बुलंद हो, और हौसले बुलंद हो तो ये वो बात है या अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। 26 बच्चे ऑल इंडिया सैनिक इंटरेस्ट स्कूल में बैठे थे, जिसे 20 बच्चों ने क्वालिफाई किया, और आपको ये जानकर और खुशी होगी कि 6 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। तो मैंने आपको कहा था कि देखो अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है, तो इस विद्यालय में पढ़ने वाला क्या बन सकता है, आप खुद एक अंदाज लगा सकते हो। और अभी आपके बीच एक बहुत ही सुंदर प्रतिभा, और जैसे कि मनोज सर बता रहे हैं, सृष्टि द यूनिवर्स नाम भी काफी है, तो इस नाम के लिए तालियां जोरदार हो जानी चाहिए। दुनिया आपके सामने, और आप लोगों के बीच एक और प्रस्तुति जो बहुत ही पॉपुलर है, जासमीन और सैजल के